हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं कर रहे हो, एक लाइक तो कर दिया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो है मूल कंसेप्ट के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो एज वी नो, मीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ, लीटर इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, किलोग्राम इज़ यूनिट ऑफ मास, एंड डजन इज़ द यूनिट ऑफ नंबर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट डजन, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। एंड हाउ मेनी नंबर्स? सो वन डजन कंटेन्स 12 नंबर्स। सिमिलरली मोल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ नंबर्स। अब देखो, जो लेंथ है वो हम सेंटीमीटर में भी काउंट करते हैं और किलोमीटर में भी काउंट करते हैं, लेकिन जो सेंटीमीटर है वो स्मॉल लेंथ को काउंट करता है, वहीं जो किलोमीटर है वो बिग लेंथ को काउंट करता है। सिमिलरली जो डजन है, जब हम कहते हैं कि हमें वन डजन बनाना चाहिए, तो मीन्स हमें कितने मिलते हैं? 12 नंबर्स मिलते हैं, मतलब 12 बनानास मिलते हैं। तो जो डजन है वो स्मॉल नंबर्स को काउंट करता है, एंड वही जो मोल है वो बिग नंबर को काउंट करता है। तो वन मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 × 10³ नंबर्स। सो डजन काउंट्स स्मॉल नंबर्स एंड मोल काउंट बिग नंबर्स। सो व्हाट इज मोल? मोल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। And how many particles? So it is 6.022 × 10³ particles. Now, if you go to the shopkeeper and you will ask him to give you one mole of sodium, मतलब कि अगर आप shopkeeper के पास गए and आपने कहा कि मुझे one mole sodium atom चाहिए, तो क्या वो बैठ के count करेगा 6.022 × 10³ molecules? No ना, it is not so much easy to calculate and count 6.022 particles. So what he will do? He will find out the molecular mass of that substance. जो भी atomic mass होगा, molecular mass होगा उस atom का, वो आपको उतना दे देगा। For example, हमने कहा जब sodium, तो sodium का atomic mass है 23. So he will give you 23 gram of sodium. That means 23 gram is equals to 1 mole of sodium. So 1 mole is equals to atomic molecular mass of that substance, and which is equals to 6.022 × 10³ numbers, and this number is also known as Avogadro's number. It is denoted by the symbol Na. I will give you one more example so the mole concept will be clear to all of you. So now you will go to the shopkeeper and you will ask him to give you one mole of oxygen. That means one mole of O2. And you know that oxygen atomic mass is 16. And there are 2 mole molecules of oxygen. That means 16 × 2 is equals to 32. That means one mole of oxygen contains 32 gram of oxygen. So shopkeeper will give you 32 gram of oxygen. He will weigh the oxygen 32 gram and give it to you. And 32 gram of oxygen will contain 6.022 × 10³ molecules. Because one mole is equals to 6.022 × 10³ molecules. So I hope ki jo mole concept hai वो अभी क्लियर हो चुका है, एंड और भी जो एग्जांपल्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।